नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजबा एक्सप्रेस में। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में माननीय श्री संजय निरुपम जी को डिंडोसी विधानसभा से टिकट मिला है और संजय निरुपम जी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और पिछड़ी समाज की बैठक अंधेरी वेस्ट मुंबई में की और उत्तर भारतीयों का काफ़ी सपोर्ट रहा है संजय निरुपम जी के लिए, क्योंकि संजय निरुपम जी भी उत्तर भारतीयों के लिए काफ़ी संघर्षशील रहे हैं और उत्तर भारतीय की जो भी समस्या रही है समय समय पर निपटाने की पूरी कोशिश किए हैं। तो उत्तर भारतीयों की भी कोशिश है कि संजय निरुपम जी को इस बार डिंडोसी विधानसभा से चुनाव में भारी से भारी मतों से जीत दिलाकर संजय निरुपम जी के हाथों को मजबूत किया जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में संजय निरुपम जी पिछड़े समाज के लोगों के साथ बैठक किए अंधेरी वेस्ट में। संगम सोसाइटी वाले सारी ऑफर खुला था, उसके बाहर दिन से पानी नहीं है, मतलब पानी आ ही नहीं रहा, पहले से पानी बाहर जाके नहीं गया। तो बोला हम लोग कितने 10 साल से आता है, मुंडे को पानी की पाइप चलते पाइप चलते पाइप चलते और वो बुद्धि उतर वो भी बंद कर देते। बात ठीक है, नाव के टाइम पे लेता कुछ होता है बनता है, सब मेरा ऐसे बोल देते हैं कि मेरा करेक्टर नहीं तो बोलते जाओ करने में लगा रहा, मैं तुमको वादा दे रहा हूँ मुझे देखना, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, कौम और धर्म और जाति मत करो। संजय निरुपम का वादा है, चाहते हैं कि आपको पानी मिले तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पानी ला के दे दूंगा। वैसे ही सुख मिले कुछ दूर होता नहीं, पूरा अपना मन डेवलप एरिया है, हमें डोमट वाला एरिया देखिए, ध्रुव एरिया देखिए तो लगता है कि दुबई का एक दूसरा हिस्सा है और वहाँ जाके देखिए तो लगता है कि आज भी कितना अनडेवलप, बहुत अनडेवलप एरिया है, उसको डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके आना है, डेवलप किया जाएगा, इसके लिए वहाँ बनाए जाएंगे और दी जाएंगे, उसके बाद तरक्की होगी, पूरे दिलदोजी की तरक्की होगी, पालनगर की भी तरक्की होगी और बाकी सारे लोगों को जो भी समस्या हो समस्या का हल ढूंढा जाएगा। तो आप मुझे कह ही रहा था जो लोग दिलदोजी से बाहर के लोग हैं वो मत सोचिए कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जो दिलदोजी में रहते हैं, उनकी तो है ही, हमारे सुनार साहब भाई गुलदा सीधे डेली 4 घंटा डेली मेरे लिए रोज 2-4 घंटे नहीं जाते, नहीं बोला अपना काम धंधा बंद कर दीजिए, डेली 2-4 घंटे काम धंधा करते हुए निकाल के आज जहाँ जाए वहाँ कल के लिए अपॉइंटमेंट तय कर लें, मीटिंग अपना करा लें, आगे जो पत्र पत्र पर हिसाब था वो करें करें, अभी को दूर जाके लोगों से मिलकर समाज के लोगों से मिलकर ऐसे कड़वासी करनी है, ऐसे आपको मतलब ऐसा है कि सच्चे लोगों जो मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बेच सकते हैं, जैसा प्रोडक्ट होता है ना वो सेलेबल नहीं होता है। तो मुझे मेरे बात बोले मैं निरुपम जी को वोट दे रहा है तो एकदम से तो ठीक है, मेरा किसी वजह से नाराज होगा तो उन्हें लेकर कोई आती नहीं बोलेगा, इन्हीं का बात नहीं, मेरा मुझे इतना इस बात का विश्वास है अपने ऊपर, गलत बोल रहा हूँ भाई बोलिए मुझे माफ करिएगा, काम करने वाला व्यक्ति दूर दराज प्रोडक्टी में रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं, अगर आप मेरा मेरे बारे में कोई बार यूट्यूब पर मदद करवा दो तो कोई आपको निराश नहीं करेगा, बस उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट 20 डेज में 30 दिन में मैं एक एक व्यक्ति तक पहुंच पाऊंगा इसकी कोशिश करूंगा। मेरा प्रचार अपने आप में बहुत एग्रेसिव प्रचार होता है, अगर किसी इन्हीं लोगों ने मेरा प्रचार पहले देखा है तो पता होगा, सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ, लोग सोए रहते हैं तो दरवाजा खटखटा के टालता हूँ, मैं संजय निरुपम आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो भाई इस बात को सही करना है कि नहीं करना देख लेंगे, लेकिन मैं तो अपना प्रचार करूंगा, कोशिश करूंगा घर घर पहुंच जाए, एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत लोग छूटे हैं तो वहाँ आप लोग खुद संजय निरुपम बन के पहुंचे, ऐसा मैं आप सभी को से गुजारिश करता हूँ। आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत आभार है।
सुबह 10 बजे तक आइए, जरा सा एक हमारा हमारी ताकत दिखे कितने संगठित हैं, कोई संख्या है जो दिखना चाहेंगे। और क्या होता है, जो आगाज होता है वही अंजाम देता है। कल आगाज का दिन है, परसों आगाज का दिन है, तो आगाज थोड़ा जबरदस्त हो, इसके लिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपना अपना थोड़ा काम शुरू करके एक कल परसों 10 बजे आकर के 10 से लेकर 12 के बीच रहे। उस दिवाली आ रही है, भी मैं समझता हूँ दिवाली में सबके व्यवस्था होगी, दिवाली के आसपास से टाइम निकाल करके घर जाना शुरू करें और मेरे लिए प्रयत्न करें, मुझे मौका दे और मुझे जीतने में, मेरे जीतने आप अपना अपना योगदान दें, ऐसा आप सभी को दर्ज। मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।